अपना नेम भी बताऊंगी और आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ बनाई है, तो वो यूनिकॉर्न बॉक्स टूर है जो कि मैंने खुद मेड किया है। तो सबसे पहले अपना नेम बता देती हूँ। मेरा नाम जन्नत है और मैंने अपना आपको नेम बता दिया है। और तो अब मैं बॉक्स टूर करवाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा बॉक्स टूर है। तो सबसे पहले फाइनली ना इसको मैंने रेडी करा था, तो मैंने कल कर लिया था उसको रेडी। और ये मैंने इसकी वीडियो बनाते हुए इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि जब ये बॉक्स था, ये बॉक्स थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा था, यानी कि शूज़ का डिब्बा होता है ये वैसा डिब्बा था। तो मैंने इस पर यूनिकॉर्न जो हमारे पास गिफ्ट पेपर होता है, मैंने उस पर ये चढ़ा दिया है अच्छे तरीके से। और मैंने इसके ढक्कन वक्कन फिर सब करा दिया। उसके बाद हमारे पास आती है ग्लू, उसको हम पहले आपको खोल के दिखा देते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने अपने टिश्यू के जो बॉक्सेस होते हैं उससे मैंने उसको करा है। थोड़ा मैं यूनिकॉर्न कलर ला रही थी लेकिन वो थोड़ा सा यूनिकॉर्न कलर हुआ नहीं जैसा मुझसे बना, तो मैंने सिंपल सिंपल मैंने बना लिया। तो उसके अंदर क्या क्या मैंने रखा है तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखा। तो सबसे पहले मैंने सिग्नेचर आर्टिस्ट के मार्कर्स रखे हैं इसके अंदर जो कि बहुत यूज़फुल होते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ग्लिटर रखे हैं और उसके बाद मैंने जो मेरे इंक पेन, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो थिंग होती है स्टेशनरी में वो हमारे इंक पेन होते हैं जो कि मेरे पास इतने से हैं बस। और उसके बाद आती है हमारी मेन ऑफ चीज स्टैपलर। स्टैपलर मेरे पास बहुत सारी हैं, यानी कि मेरे पास टू स्टैपलर हैं, ये छोटी मिनी स्टैपलर है और ये बिगर स्टैपलर है। तो अब मैं दिखा देती हूँ कलर। कलर मैंने गोल्ड फिश के यूज़ फर्स्ट टाइम किए हैं मैंने ये, वरना मैं जंबो को लेती हूँ। और उसके बाद ये मेरी डायरी है छोटी सी है, मैंने बनाई है खुद बनाई है मैंने पिंक कलर के शीट के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी डायरी की वीडियो भी शेयर करूँगी जो कि मैं न्यू यूनिकॉर्न डायरी बनाऊँगी। उसके बाद ये मेरी स्टैम्प आती है जो कि इसकी इनर सूख चुकी है। अगर आपकी अब बहुत सारी अगर आपके स्टैम्प रखी हुई हैं अगर उनकी इंक सूख गई है तो आप रेड इंक लो जो कि पेन इंक होती है वो लेकर उसके अंदर बस को ऐसे सिंपल डिप कर दो और निकाल के ढक दो। फिर आप करोगे तो स्टैम्प आपकी दोबारा से नई हो सकती है। उसके बाद डिब्बा जो कि मैंने खाली हो गया है और क्या, फिर ये जो है ना ये मैंने बनाया है मार्कर्स रखने के लिए। जब मेरे कट मार्कर होते हैं, पॉइंटर होते हैं और बोर्ड मार्कर होता है, मैंने वो रखने के लिए रखा है ये। और ये मैंने जो बनाया था ना ये डिब्बे से बनाया था मैंने, जो कि टॉफी का डिब्बा था। और उसके अंदर मैंने कुछ नहीं रखा है क्योंकि ये मैंने सेवन टेक जो UHU ग्लू आती है उससे मैंने चिपकाया था, वो थोड़ा गिर रहा था लेकिन अब वो बिल्कुल सेट हो गया तो मैं चीज़ें रखना स्टार्ट कर दूँगी। तो फाइनल एंड में मैं आपको चीज़ें दिखाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सब चलिए दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने सिग्नेचर आर्टिस्ट की मार्कर्स एंड लॉट्स ऑफ माई इंक पेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद मेरी छोटी मिनी मिनी चीज़ें जो आती हैं जो कि मैं अपने छोटे जो बॉक्स है मेरा उसके अंदर रखूँगी, मिनी डायरी एंड मेरी। तो कैसी लगी आपको मेरा यूनिकॉर्न बॉक्स टूर? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा यूनिकॉर्न बॉक्स कैसा लगा। अगर आपके पास ऐसे शूज़ के बॉक्सेस हैं तो आप उसको रिपेयर करके न्यू बॉक्सेस बना सकते हैं। तो मैं अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।